So hello and welcome to Bollywood, Meeta ji. And how are you? How's everything going? Very good. Thanks a lot. So आपकी नई फिल्म कसाई शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर 23 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है जी। किसने की पृष्ठभूमि है इस फिल्म की और वो क्या किरदार है जो आप इसमें लेकर रही हैं? फिल्म जो है वो सेट है गांव में, इलेक्शंस के टाइम राजस्थान के गांव में, और ये एक घटित कहानी है जो रियल लाइफ में घटित हुई हो चुकी है। और राइटर ने जो पथिक जी है, जिनको मैं कहती हूँ क्योंकि आज के प्रेमचंद हैं, तो उन्होंने ये कहानी शायद बहुत करीब से देखी थी, तब उसके ऊपर लिखा, उन्होंने एक कहानी बनाई, माने ये घटना देखी थी। तो ये पंचायत इलेक्शंस जब हो रहे थे गांव में, तो जो मेन पंचायत फैमिली थी उनका जो बेटा है वो उसके खुद का पिता और घर वाले उसे मार देते हैं बहुत बेरहमी से, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल चक्कर है। वो चाहते हैं कि वो शहर में जाके रहे दो महीने तक, जब तक कि इलेक्शन खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसका जो दिल से जो उसका जो लगन है वो एक लड़की से है जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी जाति को बिलोंग करती है। तो ये लड़का थोड़ा सा बीमार होके, निराश होके कुछ हफ्ते बाद वापस आ जाता है, और मेरा जो किरदार है वो बेटे की माँ का है, यानी मैं सरपंच की पत्नी हूँ। और उसकी आंखों के सामने वो रोक नहीं पाती है जब बेरहमी से उसके बेटे को मारते हैं, तो और वो उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। तो अच्छा, अब इलेक्शन का टाइम है, उसके खुद के बाप माने मेरे अपने पति ने मेरे अपने बेटे को मारा है, साथ में दादा चाचा सब हैं बेटे के, पर वो लोग नहीं चाहते कि इस बात, माने वो इस बात को ऑब्वियसली छुपाना चाहते हैं। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी कर देते हैं कि लड़का आया, उसकी लाश कहीं जाके फेंक देते हैं दरिया किनारे, कि वो लड़का आया था, शायद हमको तो पता नहीं था, वो शहर गया था, और वो जो आया है तो वो दरिया में नदी के किनारे एक पेड़ है भयानक सा, उसमें एक कसाई रहता है, उसने मार दिया होगा लड़के को। तो भूत प्रेत टाइप का कुछ बना देते हैं कि ये कैसे मरा हमें नहीं मालूम। पर जो माँ है, जो मेरा किरदार है, वो इस बात को सहन ऑब्वियसली नहीं कर पाती, क्योंकि उसके लिए उसके यू नो यंग सॉर्ट ऑफ टीनेज बेटे का उसके सामने मार डालना, उसका वो तो बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन बेहाल हो जाती है अपने दुख में। लेकिन उस बेहाल हालत में भी वो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती है, भले ही उसका अपने पति उसको मना करते हैं या उसको बंद रखते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो, और वो एक बड़ा विनम्र किस्म की माँ है, वो कोई झंडे वाली टाइप माँ नहीं है कि मैं निकल गई सड़कों पे झंडा गाड़ दूंगी, यू नो उस तरह का उसका एटीट्यूड नहीं है कोई, वो फेमिनिस्ट फंडा नहीं है इसमें कि यू नो मैं औरत हूँ और देयरफॉर मुझे चिल्ला अपनी बात कहनी है, वो बात नहीं है। वो वाकई एक माँ का जो जो अस्तित्व होता है जो एकदम बिखर जाता है बेटे के मरने से, लेकिन अंदर टूटने के बावजूद उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, और फाइनली वो झूठ बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं कर पाती है, और उसको पूरा जो मसला है उसे सामने लाना ही है। तो जो फिल्म में है ये पूरा ये जद्दोजहद होती है कि कहाँ एक गांव, एक फैमिली जो पावरफुल फैमिली है अपनी इस औरत को रोकना चाहती है, और वो किस तरह से सब कुछ के बावजूद अपने बेटे के लिए माने फाइनली लड़ लेती हूँ, उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती है फाइनली। And as you spoke that you play the mother to the character of Mayur Mori in this film. जी, it's the lead role actually. Gulabi, the character I play, that's technically speaking the lead role. The story is really about mother and son. He, you know how a woman who's from the village किस तरह से वो लड़ती है, क्योंकि पॉलिटिकल चीजों पे तो फिल्में बहुत बन जाती, कहानियां बहुत होती, लेकिन एक परिवार अपने ही बेटे को मार दे और माँ फिर किस तरह से उसके लिए लड़ती है। सो यू नो इट्स द लीड रोल, दैट इज व्हाई यू हैव माय फेस ऑन ऑल द पोस्टर्स एंड एवरीथिंग। सो मयूर खुद एक थिएटर एक्टर है, तो जब आप एक थिएटर एक्टर या फिर एक ट्रेन एक्टर के साथ में एंगेज करते हैं, भले ही उनका कैरेक्टर डायरेक्टली आपसे एंगेज नहीं कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ सीन है, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, नहीं वो डायरेक्टली हमारे सीन्स थे जी। और मयूर एक बहुत ही बेहतरीन यंग एक्टर है, थिएटर से है, तो उसका उसे बहुत एडवांटेज भी है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े बहुत सारे तरीकों से रोल के बारे में बहुत सारा सोच पाता है,
उसे डायरेक्टर उसे बताए उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि फिल्म में सारे ही मंजी कलाकार हैं। गजेंद्र जी ने मेरे ख्याल से जहां तक हो सका उन्होंने सब मंजे कलाकार लिए, जैसे मैं हूँ और जो रवि झांकल हैं वो भी एनएसडी से मेरे सीनियर हैं, फिर वीके शर्मा जो मेरे ससुर का रोल करते हैं वो भी एनएसडी से मेरे काफी सीनियर है, बल्कि जब हम लोग थर्ड ईयर एनएसडी में थे उन्होंने हमारे बैच के साथ एक नाटक भी डायरेक्ट किया था, वो कॉमेडी था। पर तो जितने कलाकार जो भरे हुए हैं फिल्म में, अशोक बांधिया जी और बाकी तो जितने लोग हैं वो मोस्टली थिएटर से जुड़े हुए हैं या एनएसडी से हैं, और आई थिंक गजेंद्र जी को लगा कि बेहतर है कि सब मंझे हुए कलाकार लें। इवन यंग जो हैं दोनों, जो लड़की है ऋचा और मयूर, ये दोनों एक्टिंग की इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो कैमरा के सामने मैंने मोस्टली मैंने जहां तक देखा कि हम में से किसी को डायरेक्टर से पूछने की जरूरत नहीं थी कि मुझे इस सीन में क्या करना चाहिए, ऐसा था ही नहीं, सबके पास स्क्रिप्ट थी, सब अपनी तैयारी करके सीधा कूद पड़ते थे यू नो जब सीन शुरू होता था। जी सो तैयारी की अगर बात करें तो आपने कहा है कई बार कि यू डोंट ओवर प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर्स, यू रादर इंबाइब द इंफॉर्मेशन एंड यू नो सॉर्ट ऑफ यू नो बिल्ड यू नो कीप इट विद यू ओवर द टाइम। एक्टिंग इज समथिंग व्हिच कम्स आउट एट दैट इंस्टेंट, so and this is for you something that you know during the take you go all guns blazing, so kirdar ke pehluon ki jo alag alag information hai jo aapke alag alag subconscious ke alag alag konon mein kahin na kahin chupi hui hai, how do you fetch it instantly during the take, no at once? See, I won't be able to tell you the whole thing, nahi to aapka pura interview, but I'll tell you it's like acting, the preparation for acting and the performance is like the preparation for a sportsman playing in the Olympics. And that moment when you're on the field, you're not really thinking. तो आपका यहाँ वाला दिमाग नहीं काम करता, आपके पूरे शरीर का जो दिमाग होता है जो इस सोच वाली दिमाग बुद्धि से अलग होता है, और ये सच बात है। तो एक्टर की भी सोच वाली बुद्धि वो शुरू में उसका काम हो गया, अब जो बुद्धि काम करेगी वो पूरे उसकी इंस्टिंक्टिव बुद्धि काम करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो अंदर से निकल के आएगा तो मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको अगर 5, 10, 8, 9 कितने टेक्स करने पड़े, आपको आपके पूरे शरीर को उसकी प्रिपरेशन चाहिए। आप सिर्फ एक इंस्पिरेशन को लेके नहीं चल सकते कि मेरे अंदर तो इतना भरा पड़ा कि मैं तो वैसे ही रो दूंगी या जो भी है, नो। सो इट इज दैट देयर इज अ क्राफ्ट, वो क्राफ्ट को हम प्रैक्टिस करते हैं, वो एक ही क्राफ्ट नहीं है, वो अलग अलग जगहों में है वो क्राफ्ट, वो कहीं वाचिक में है माने स्पीच में, कहीं आंगिक में है माने शरीर में, कहीं गेज में है माने आपकी दृष्टि, आपने जरा सा यूं देखा और फिर यूं देख लिया तो उसके एक मायने हो जाते हैं, या अगर मैं आपको यूं देखूं और फिर मैं आपको यूं देखूं, यू नो इसके भी मायने हो गए, मैंने किया क्या, सिर्फ सर का पोजीशन अलग अलग किया। सो यू नो देयर इज अ क्राफ्ट टू एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड ट्रेनिंग इज रियली अबाउट एक्सपीरियंसिंग द क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरिंग इट कम्प्लीटली। सो दैट इज वाई से कि मेरी प्रेपरेशन बहुत पहले हो जाती है, और उस समय जब मैं पहुंचती हूँ देन आई एम लाइक अ स्पोर्ट्समैन ऑन द प्लेइंग फील्ड, कि बॉल कहाँ से आएगी, वो कहाँ कैच करना है, कहाँ पे फेंकना है, कहाँ पे स्विंग करना है, अगर क्रिकेट की एनालॉजी ले तो। जिस तरह से आपने सेंसेस की बात की और यू नो इंस्टेंसेस की बात की, नाउ एज ह्यूमंस इट्स नेचुरल फॉर अस टू नॉट नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, देयर आर सर्टेन ब्लाइंड स्पॉट्स व्हिच आर यूनिक टू एवरी पर्सन, तो सीन के दौरान आपको एक ब्रॉड तौर पे तो पता होता है कि ग्राफ क्या होगा, सीन कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होगा, पर ये जो इंस्टेंट वाली चीज है ये दोधारी तलवार भी है अगर मैं कह सकूँ तो, क्योंकि मोर देन ऑफन ये आपसे अच्छा काम तो करवाती ही है, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके को एक्टर जाने अनजाने उस सिचुएशन को या उस सीन को आपके ब्लाइंड स्पॉट की तरफ नज कर देते हैं या मनूवर कर देते हैं, सो हाउ डू यू टैकल दिस एंड स्टिल कम आउट स्ट्रॉन्गर एज एन एक्टर ऑन द अदर एंड? But that's exactly what I'm saying. The reason you don't over prepare is because if you over prepare, तो आपने अपने दिमाग में खाका बना लिया कि मुझे ऐसा ही करना है। अगर आपने अपने आप को खुला रख दिया तो फिर co-actor कुछ भी कर रहा है आप उस चीज को समेट लेंगे, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपने होटल में कमरे में बैठ के आपने सोच लिया कि ये सीन है तो मैं इस डायलॉग को ऐसे बोलूंगी, तो आप अटक गए उस पर। अब co-actor ने कुछ और कर दिया तो आप कहते हो नहीं, नहीं नहीं फिर से करो क्योंकि मैंने तो वैसे ही बोलना है, तो तुम मेरे लिए ऐसे करो, यू नो दैट्स नॉट डन। सो यू हैव टू बी ओपन टू द सरप्राइजेस, द सडन, यू हैव टू बी ओपन टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ योर को एक्टर।
आपका एक अपना है, लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो आप अगर मोनो एक्टिंग तो है नहीं, ये एक्शन रिएक्शन का भी प्रोसेस है। तो अगर आप बहुत पहले से ही सब कुछ निश्चित करके चले जाए कि ये तो एक्टिंग है, सीन ये है, इसका ग्राफ ये है और ये सब हो गया जी फिक्स, अब मुझे जाके वहां पे बस पेश करना है, ऐसा नहीं होता है। आपकी एक्टिंग आपको एक्टर को, जैसे अगर आपने उसने कुछ अचानक कह दिया जिसका मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये ऐसे करेगा, तो फिर मेरा हो सकता है मैं पॉज लूं और मैं कुछ सोचूं और फिर मैं रिप्लाई करूं, जो उसकी चीज को समेट लेगा, उस मोमेंट को अच्छे से क्रिएट करेगा। तो जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं होती, वो हम दोनों के बीच में कहीं जाके जो चीज बनती है वो होती है। So, moving on, मैं जानना चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए अपने क्राफ्ट में इमर्स होके उससे जुड़े क्राफ्ट से जुड़े जो कमर्शियल ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं उससे एलिनेट होना कितना जरूरी है, इन द सेंस कि हम जो काम करते हैं उसके क्या कमर्शियल इम्प्लीकेशंस होंगे या वो क्या मार्केट ट्रेंड सेट करेगा या नॉर्म सेट करेगा, इससे खुद को दूर रखना कितना जरूरी है या कितना इम्पोर्टेंट है ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली जरूरी है कि जैसे स्टार्स का थोड़ा अलग होता है, कई अक्सर जो लोग बोलते हैं कि मुझे स्टार ही बनना है तो वो एक स्टाइल पकड़ लेते हैं जी। स्टार का मतलब है कि जाना पहचाना स्टाइल हो जो हर फिल्म में इंसान उसी स्टाइल को देखने जाएगा, जैसे राजेश खन्ना था कि था वो अपनी आंखें गाने में एक बार तो भींचेंगे ही, या बात करेंगे बड़ी आदमी तरह तो यूं ऐसा कुछ करेंगे आंखों का, जो बल्कि दिलीप कुमार साहब ने सिर्फ एक बार किया है एग्जैक्टली ये जेस्चर राम और श्याम फिल्म में बहुत सदियों पहले। लेकिन स्टार्स, और एक मुझे लगता है दिलीप कुमार साहब ही हैं जो स्टार भी थे और एक्टर भी, स्टार भी है और एक्टर भी हैं, यू नो। तो जैसे अगर सुभाष घई का जो सेटअप ही है वो कुछ अलग है, उसमें अलग किस्म का एक फ्लैम्बॉयंस या जो भी चाहिए, मणिकौल जी की सिद्धेश्वर में अलग तरीके का एक खुलापन चाहिए, और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, हर किसी को अलग चाहिए होता है। जैसे गोविंद निलानी जी के साथ अगर काम करें तो उनको उनका डायलॉग एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए, उसमें आप एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकते, तो आपको वो पकड़ के चलना होता है। ये बंधी हुई चीज को पकड़ के उसमें फिर कुछ अपना लाना, ये एक अच्छा एक्टर करता है, एक्टर या एक्ट्रेस मैं कहूँगी, बिकॉज आई लाइक टू बिलीव कि एक्टर सिर्फ एक्टर नहीं एक्ट्रेस, क्योंकि जो शरीर है वो हमारा फेमिनिन है, फीमेल है, तो मुझे एक्ट्रेस शब्द भी बहुत पसंद है। सो आई बिलीव दैट अ गुड एक्टर और एन एक्ट्रेस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, लेकिन उसके लिए आपके पास वो इतना बड़ा पूरी सरगम होनी चाहिए जी। और मुझे एक्टिंग की यही बात तो सबसे ज्यादा पसंद है कि आप एक ही जीवन में कितने लोग बन जाते हो जी। मुझे इसी चीज ने आकर्षित किया, इस वजह से मुझे डेली सोप्स इस वजह से पसंद नहीं है क्योंकि उसमें आप एक ही किरदार को 5 साल तक करते रहो, यू नो 5 साल में तो इंसान खुद बदल जाता है जी। और आप एक किरदार को लिए चले जा रहे हैं, वो पॉपुलर हो जाता है, आप पैसे भी बना लेते हैं, लेकिन वो आपकी मेरी आत्मा को ठेस पहुंचती है ऐसी चीजों से। So, moving on. मेरी एक्ट्रेस की आत्मा को, वही आत्मा है, दूसरी तो कोई है नहीं एक ही आत्मा होती है। So, moving on, सिनेमा की अगर लिखाई की बात करें तो वो क्या चीज है हमारी राइटिंग में ब्रॉडली, बीट सिनेमा, फिल्म्स, टीवी, इन सब में वो क्या चीज है हमारी लिखाई में जिससे आपको कोफ्त होती है, और क्या वक्त के साथ आपको मुझे कोफ्त होती है जी, मतलब जो इम्प्रूव होना चाहिए जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मुझे कोफ्त तब होती है जब डायलॉग हवा में लिखे जाते हैं जी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत पढ़ाती भी हूँ, जैसे विस्लिंग वुड्स में एक बार मैं जब पढ़ाने गई थी वहां, विस्लिंग वुड्स जो सुभाष जी का है, उसमें डायरेक्शन बैच के साथ मुझे पढ़ाना था, तो पढ़ाना भी था और किसी ने चाहा कि वो मैं उनकी किसी एक डिप्लोमा फिल्म में काम करूं, तो उन्होंने कहा कि वो एक यंग विधवा होती है, यंग माने उसका एक छोटा बच्चा है, वो विधवा होती है और वो, सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड कहाँ की विधवा है, तो उसने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने कहा ऑफकोर्स फर्क पड़ता है जी, अगर वो बंगाल की विधवा है तो शायद उसके माने बाल कट गए होंगे, यूपी की है तो इस तरह की साड़ी पहनेगी, पंजाब की है तो सलवार कमीज पहनेगी, हरियाणा की है तो शायद घघरा पहनेगी, यू नो सिटी की है तो कुछ और पहनेगी। मैंने कहा कुआं भी आपका बदल जाएगा कि कौन सा कुआं है, कैसा घर है, वो खटिया पे सोती है या बिस्तर पे सोती है, वो स्टील के ग्लास में पानी पीती है या कांसे के ग्लास में, वो मटका घर में या फ्रिज से बोतल निकालेगी, कुआं कैसा है, मैंने अलग अलग
प्रांतों इंडिया के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग किस्म के कुएं होते हैं, तो तब उनको रियलाइज हुआ कि आप एक कॉन्सेप्ट और एक स्टोरी आप हवा में नहीं लिख सकते हैं, आपको उसको एक रूट माने उसको बैठाना पड़ता है, जैसे एक पौधा की एक मिट्टी है, उस मिट्टी में आपको बैठाना पड़ता है. सो दैट इज द थिंग. तो अच्छे जो डायलॉग राइटर हैं या स्क्रिप्ट राइटर हैं वो क्या करते हैं, आपको बहुत कम फिर बोलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थोड़े ही में अगर वो उनको समझ है इन चीजों की, खुशबू की, देश की खुशबू की, कैरेक्टर की, तब आप कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे जो मने नहीं होगा उसमें. सो आई हैव टू टेल हिम दीज थिंग्स, यू नो. सो दैट्स द थिंग, यू नो, आई हैव टू नो योर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग. Your character in this speaks through pain. That is the overarching emotion, if I could say that. Yes. But apne viewers ke understanding ke liye main thoda batana chahunga ki pain is a broader umbrella. Uske pe smaller subsets bhi hote hain. Absolutely. Kuch prize possession ya bachpan ki kuch cheez ko jaane ka pain hota hai. Heartbreak ka pain hota hai. Sapne toot jaane ka pain. Ji bilkul. So for this character, pain ki wo kaun kaun si territories ki jo aapne tackle ki hai to bring out the emotions. See, this is a pain which is a loss of, it is a pain of death, of losing a life, something. So although I don't have a son, you know, I don't have children, and I didn't have a son who has also died or anything like that, but I know what it feels like to lose, like when your pets die. Aapka agar apne aapke ghar mein agar aap ek pet hai jisko aapne 12 13 15 saal pala hai aur wo mar jaye, भले ही वो ओल्ड एज से मरे, आपका जो दिल टूटता है ना बुरी तरह, जितने लोग पेट्स अच्छे से रखते हैं वो समझेंगे इस बात को, बट यू कांट इवन सब्स्टिट्यूट दैट. लेकिन आपको पता है कि एक दिल का टूटना और एक किसी का मर जाना कैसा होता है, बिकॉज यू नो यू लूज योर फादर, दैट इज ऑल्सो अ डेथ. इट्स नॉट नेसेसरली योर सन, बट यू कैन हैव, यू लूज अ फादर, आपकी दुनिया बदल जाती है जब आप एक भी माँ बाप में से किसी एक को जब आप पहली बार जो पहला चला जाए, माने उनका माँ बाप का खोना ही कुछ अलग होता है. माने आपको लगता है पूरी कायनात अब बदल गई है, अब ऐसा अब कुछ नहीं रहेगा जैसा आज तक आपके जीवन में था. भले ही आप अपने माँ बाप से रोज बैठ के बात नहीं करते थे या उनसे कुछ मांग के नहीं ले रहे थे एक उम्र के बाद, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो चला गया जो आपसे कुछ छीन के ले गया, यू नो, छीन गया माने अब ये वो अलग एक लॉस है. सो एज एन एक्ट्रेस इन माई क्राफ्ट आई रियलाइज कि ये जो शुरू की फिल्म में के शुरू में ही ये लड़का मर जाता है, फिल्म के पहले 10-15 मिनट पूरी फिल्म में ये माँ को इस दर्द को इतना उठाना है. तो एज एन एक्ट्रेस मैंने ये भी सोचा, और ये अच्छा सवाल आपने किया है, बिकॉज क्राफ्टिंग, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडियंस टू अंडरस्टैंड वॉट इज परफॉर्मेंस एंड क्राफ्टिंग. अक्सर लोग इसको भी अच्छा बोल देते हैं, उसको भी अच्छा बोल देते हैं, तो आपको मैंने सोचते हैं कि भैया अगर आपको ये भी पसंद आ गया वो भी, तो आपको फर्क दिखा नहीं क्या. सो इन दिस, ये मदर का जो कैरेक्टर था जिसमें ऑलरेडी वो फिल्म के बिगनिंग में ही उसके साथ हादसा हो चुका है, बेटा मर गया, मारा गया, तो मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि उसमें उसको पूरी फिल्म में फिर अगले हफ्तों में जीना है, महीनों में जीना, फिल्म की जो कहानी है वो कई हफ्तों में चलेगी. तो मैंने सोचा कि उसका जो ग्रीफ है ना, वो लिटरली उसका शरीर एक ग्रीफ बन जाना चाहिए, यू नो, कि उसका जो शरीर ही है उसमें वो इतना समा गया है वो ग्रीफ, कि वो रोटी भी बेल सकती है. ऐसा नहीं कि वो इतनी बेहाल है कि रोटी नहीं बेलेगी, वो जब बात करती है तो वो बात कर सकती है बिना रोए ना, तो मैंने नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता कि आप इतने दुख में कि आप बिना रोए बात ही नहीं कर सकते, आप हर टाइम छाती पीट रहे हैं, दैट्स नॉट एक्टिंग. वो तो जताना है कि मैं दुख में हूं, लेकिन आप दुख को जीते कैसे हैं. अक्सर लोग जो बहुत दर्द में होते हैं, उनका कोई गुजर गया है, मर गया है पिछले हफ्ते, तो वो हंस भी देते हैं, वो बहुत हंसते भी हैं, किसी ने जोक मार दिया तो वो हंसेंगे, लेकिन फिर दूसरे सेकेंड कुछ हो जाए वो घर अपनी चुपचाप जाके रो भी देंगे बहुत जोर से अंदर जाके. तो मुझे लगा इसकी जो दुख है ना, वो एक खुशबू की तरह, इसका शरीर की एक खुशबू ही दुख बन गया है, यू नो, लिटरली इट हैज टू बिकम सो सटल, इट हैज टू बिकम लाइक हर ब्रेथ. उसकी जो सांस है वो दुख है, यू नो, जो सांस वो लेती है और जैसे वो बाहर निकालती वो ही दुख है. तो आप फिल्म में देखेंगे कि उस दुख को फिर
जब उसका भाई उससे मिलने आता है, बेटे का मामा, तो किस तरह से वो उसके सामने रोती है। पति के सामने वो दुख जाहिर करती नहीं है क्योंकि उसको पता है ये कसाई आदमी, ये तो समझेगा इसने जिसने बेटे को ही मार दिया है, तो उसके सामने वो कभी नहीं दुख जाहिर करती है, उससे अलगाव हो जाता है उसका, लेकिन उसके सामने वो बेटे की बात नहीं करती है, यू नो। सो देयर आर सो मेनी की जिस हर की, जब उसको लड़के की जो गर्ल जो जो प्रेमिका है उससे जब मिलती है तो उसका अलग एक यू नो एक तरह से उस लड़की को वो किस तरह से उससे बात करती है उसमें आपको दुख नजर आएगा, यू नो। हालांकि वो रोती नहीं है, पर जब वो लड़की को देखती है और लड़की उसको लगता है कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है और मेरे बेटे का बच्चा है इसकी कोख में, तो उसके अंदर जो अलग किस्म का एक जो एक जिसे कहते हैं ना अद्भुत सा एक हो जाता है, तो वो उसके दुख के ऊपर अद्भुत सा एक यू नो वो परत भी चढ़ जाती है, यू नो। सो देयर मेनी मेनी लेयर्स ऑफ ग्रीफ दैट आई प्ले इन दिस फिल्म। इसी चीज को थोड़ा क्योंकि कोख की नहीं है कि मां है और वो मर गया तो उसका एक टाइप का है। तो इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इरफान साहब आपके एनएसडी के अटैचमेंट रहे। जी जी जी। मैं उम्र में छोटा हूं तो इसलिए इस चीज को थोड़ा बेहतर समझना चाहता हूं फ्रॉम यू हु हैज इमेंस एक्सपीरियंस एंड अ प्रीटी स्ट्रांग इंटेलेक्ट। जब कोई हमारे अजीज इस तरह से चले जाते हैं जिनके साथ हमारी इतनी स्पेशल मेमोरीज यादें या फॉर्मेटिव ईयर्स के वो पल जो गए थे, बिल्कुल 3 साल और भी बहुत कुछ। जी तो इरफान साहब का एक बहुत खूबसूरत सा गाना है कि वो जो था ख्वाब सा क्या कहे अब जाने। हाँ। So, इसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझना चाहता हूँ कि एज अ पर्सन हाउ डू वी लेट गो नो एंड हाउ डू वी कोप अप विद एंड ग्रीफ। देयर इज ओनली वन वे टू लेट गो एक्चुअली, देयर इज दैट इज दैट यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट टू लाइफ। यू हैव टू नो दैट इफ यू आर अलाइव इट इज नॉट It is, he wants you alive. ऊपर वाला जो है, मुझे इतना पता है कि जब अगर आप जिंदा हैं तो आपको एक तरह से हक नहीं है कि आप दुखी रहे, हालांकि हम लोग अक्सर नहीं रह पाते उस लेवल की खुशी, क्योंकि इरफान का जाना मुझे ऐसा अजीब सा, क्योंकि उस समय पैंडेमिक पीक पे था और लोग कोई बाहर भी नहीं जा रहा था, लेकिन एक तो कब्रिस्तान मेरे घर के बहुत दूर नहीं और दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं फ्यूनरल पे ना जाऊं, तो मैं और एक दूसरा मेरा जो क्लासमेट है हम लोग गए, माय फादर साइड सब लोग चले गए, इरफान और इरफान के अलावा हमारे दो तीन और क्लासमेट थे जो पहले भी चले गए, उनमें से मेरी एक बहुत खास दोस्त थी एनएसडी की, मेरे क्लासमेट सुनीता। इरफान का जाना तो बहुत ही अजीब था, और इरफान बल्कि जाने से पहले 2 हफ्ते पहले मेरे सपने में भी आके मुझे बाय बोल गया था, और मुझे समझ में आ गया था उस कॉन्वर्सेशन से कि ये नहीं रहने वाला है। फिर गए हम लोग। हाँ, तो मैंने अक्सर आपको, आप इतने जुड़े हुए होते हैं कि अगर आप मिले भी नहीं हो तो व्हेन आई ड्रीम्ड दिस ड्रीम जिसमें हम सिर्फ बात कर रहे थे, तो जैसे मैं उठी मुझे लगा ये तो जाने वाला है, यू नो। और मैंने पूछा भी उस हमारे कॉमन फ्रेंड है जो उनसे, बिकॉज इरफान ज्यादातर लोगों से तब मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, कहते हैं वो ठीक है, नॉर्मल है, जैसे हैं। तो मैंने उनको साफ कह दिया, मैंने कहा ये जाने वाला है जल्दी, तो पूछो क्या मैं मिल सकती हूँ, यू नो। अब ये कैसे पता चलता है आपको, और मुझे लगा ये इसी हफ्ते चले जाएंगे, लेकिन उनको 2 हफ्ते लगे जाने में, लेकिन गए। लेकिन मुझे उसका एक वो सपने में जो आए और जो हमने लंबी चौड़ी बातचीतें की और बहुत हंसे, और ऐसा कुछ मुझे याद भी नहीं कि क्या बातचीत थी, बट इट वॉज जस्ट अ लॉट ऑफ टॉकिंग कि अरे यार बहुत दिनों से मिले नहीं, सोचा तुमसे मिल लूं, ऐसा इतना याद है मुझे। और मैं उठी और मुझे लगा ये तो जा रहा है, यू नो दैट्स द थिंग विद इरफान। सो इन सम, बट इवन देन इट वॉज बहुत ठेस। तो मुझे लगता है द ओनली वे टू डील विद पीपल्स द लॉस ऑफ पीपल गोइंग इज दैट यू नो दैट एक दिन आपको भी तो जाना है, तो जब तक आप हो और आपकी सांसें आपको लगता है आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप कुछ बेवकूफी ना करो जैसे कि आत्महत्या या कुछ हो जाए, तो आपको किसी मकसद से भेजा है भगवान ने जो आपको काम करना है, और ये आपका फर्ज है कि आप करिए और आप ढंग से रहिए, और एक दिन तो आपको जाना ही है ना। सो व्हाई डू वी बिलीव कि वो चले गए या ये चला गया या वो चला गया तो हम तो यहाँ सदी सदा रहने वाले हैं, यू नो।
सो या इट्स हार्ड, इट्स नॉट इजी. अक्सर आप क्या था, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना अपने घर से, मैं यारी रोड के थोड़ा आगे रहती हूँ, तो हर दूसरे दिन जब मुझे लगा राइट टर्न लेके वर्सोवा साइड से जाऊँ, तो एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के दीवार के उस पार इरफान की कब्र है जहाँ वो लेटे हुए, और इस पार मैं गाड़ी में हूँ. और अक्सर मैं कहती हूँ इरफान तू देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, क्या तुझे सुनाई दे रहा है सब, यू नो इट्स लाइक दैट. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग दैट ही इज लाइंग देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल और यहाँ से मैं जा रही हूँ. तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग है ये, बट यू हैव टू कमिट टू योर लाइफ बिकॉज आप आए भी अकेले हैं और कुछ भी कर लो आप एक्चुअली तो अकेले होते ही हैं. आपके कितने भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आप संबंध बनाते हैं लेकिन होते तो आप चलते और खाते और पीते तो अपने अपने ही उससे, है ना. एक्टिंग भी अपने से करते हैं, दूसरे की शरीर से तो एक्टिंग कर नहीं सकते आप, तो वहाँ पे भी आप अकेले होते हैं. तो ये बहुत अच्छा है कि हम हमारे पास इतने सारे लोग, हमारे हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं एक जीवन में और इतने लोगों से इतना कुछ आदान प्रदान होता है और हर किसी से आप सीखते हैं कुछ. जिससे आप नफरत भी करते हैं ना वो भी आपको कुछ सिखाता है अपने बारे में जी. तो ये एक जिसे कहते हैं मेला है पूरा, मेले में हर दिल अकेला. लेकिन इट्स अ ग्रेट प्लेस टू मीट एंड ग्रीट एंड आई थिंक इट्स अ प्लेस. बहुत लोग जो उस पार से बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि या जो मैंने किताबें में भी लिखा है कि एक अनकंडीशनल लव है ना जिसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कि आप किसी को दिल से प्रेम करें, ये प्रेमियों वाला प्रेमी कोई भी प्रेम, एक इंसान को प्रेम करे, एक जानवर को प्रेम करे, लेकिन आप दिल से करें, लेकिन उसमें कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि मुझे इससे ये मिलेगा इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है या लगती है, यू नो. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज है जीवन में कि आप जो भी करें, जिसके लिए भी करें, जिसके साथ भी यहां से बैठे उठे काम करें, चार मिनट बैठ जाएं, उसके लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए. वो बेवजह का जो मिलना होता है या बैठना होता है वो बेवकूफ और टाइम पास वाला नहीं, लेकिन बिना किसी अंदर के मतलब मकसद से अगर आप किसी को पसंद करें तो वो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही एक दैट इज व्हाट इज अनकंडीशनल लव. इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अचीवमेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, यू नो. सो इफ यू हैवंट मैनेज्ड टू लर्न दैट यू हैव टू, आई थिंक दैट इज द पाथ वी ऑल हैव टू फॉलो. So with that, we have reached the end of this conversation. In closing, all right, I would like to know just one thing from you, that you have made your digital debut with Your Honor. Now you are coming up with Kasai. Your Honor? No, I have not made my directorial debut. No, digital debut. Meaning, as in digital, yes. Yeah. And now that you are coming up with Kasai. And also before that, Criminal Justice. Uske pehle Criminal Justice Season 1. So Kasai jaisi film ka Shimaromi box office OTT par aana, kya maine rakhta hai aapke liye? मेरे लिए बहुत मायने रखता है बिकॉज आपको भले कितने अवार्ड्स भी मिल जाए एक चीज के लिए, लेकिन आपकी ऑडियंस के सामने उसका आना, उसका एक अलग ही एक आई वुड कॉल इट अ ब्लेसिंग दैट सो मेनी पीपल ऑन शेमारू ओटीटी विल बी एबल टू सी द फिल्म एंड द परफॉर्मेंस. बिकॉज ऑल सेड एंड डन परफॉर्मेंस इज अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग दैट गिव्स समबडी समथिंग, यू नो. तो इतने सारे लोगों के सामने फिल्म आ जाए, वो परफॉर्मेंसेस देख ले, वो फिल्म देख ले, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है. सो आई एम रियली हैप्पी दैट कसाई इज रिलीजिंग ऑन शिमारू ओटीटी प्लेटफॉर्म. वेरी हैप्पी. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस मीटर. इट वाज एन ऑनर. थैंक्स अक्षय, योर क्वेश्चंस वर वेरी वेरी, बहुत आपने माने रिसर्च की है और बहुत सोच समझ के आपने दिमाग और दिल दोनों से जोड़ के सवाल पूछे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी. Thanks a lot. Please take care. All the best. And I'll see you. And lots of good wishes to you also for your career. Thank you. I wish you the best. Yeah. Wish you the same for Kasai and all your upcoming. Thank you. Please take care. Thanks a lot. Yeah. You too.